लॉकडाउन में कार्यरत पुलिस कर्मियों के सेवा में लगे हैं मेरा भारत महान के कार्यकर्ता। लॉकडाउन के कारण सभी सामाजिक कार्यकर्ता संस्था अपने अपने हिसाब से सेवा दे रही है। ऐसे ही वाड़ी के कार्यकर्ता आशीष गजबे लॉकडाउन के दिन से ही पुलिस कर्मियों की सेवा में लगे हैं। सुबह शाम दोनों समय पुलिस कर्मियों को चाय, नाश्ता, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने तक इस मुहिम को चलाते रहने की जानकारी आशीष ने दी है। उनके साथ मित्रों का भी सहयोग है। वाड़ी के हर चौक पर पुलिस तैनात है। उन्हें चौक पर जाकर दोनों समय पुलिस की सेवा में लगे रहते हैं। सामाजिकता की भावना से यह मदद कर रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, पत्रकार इस आपदा के समय सड़कों पर है। उनके कार्य को गजबीय ने सलाम करते सभी सामाजिक कार्यकर्ता इस मदद में हिस्सा लेने की अपील की। अपने स्कूटर पर सुबह से शाम चाय, नाश्ता, बिस्किट, सैनिटाइजर, पानी बोतल की जरूरत को पूरा करते हैं। वाड़ी पुलिस स्टेशन, MIDC टी पॉइंट नाका नंबर 10, MIDC पुलिस स्टेशन हिंगना टी पॉइंट प्रताप नगर तक मदद कर रहे हैं। इस उपक्रम को मेरा भारत महान नाम रखा गया है। आशीष के काम को देखते हुए आशीष के मित्रों ने भी इस काम में आशीष का साथ दे रहे हैं, पैसे के भी मदद कर रहे हैं। संदेश गणवीर, नितेश मोहर, दिवाकर मोहर ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया है। क्षेत्र के सभी लोग इस कार्य को सहार रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ते हैं जे आमच्यासाठी जेव्हापासून हा लॉकडाउन चालू झालेला आहे लोकांसाठी तेव्हापासून हे आम्हाला म्हणजे फक्त पोलिसांसाठी जी सेवा देत आहेत तर त्यांना वाडी पोलीस स्टेशन मार्फत मी धन्यवाद देते। कारण जेव्हापासून लॉकडाउन चालू आहे लोकांचे खाण्याचे, चहाचे वगैरे सगळ्याचे जे प्रॉब्लेम झालेले आहेत तर हे जे सामाजिक कार्यकर्ते त्यांनी बऱ्यापैकी पुढाकार घेऊन पोलिसांना आणि जे गरजू लोक आहेत तर अशा लोकांना सहकार्य केलेलं आहे। त्यांचा चहा, नाश्ता वगैरे देऊन रोज वेगवेगळ्या प्रकारचं त्यांनी त्यांना त्यांच्या लेवलवर जेवढं शक्य आहे अशा प्रकारे देऊन सहकार्य केलेलं आहे। तर आता कोरोनाची जी साथ आहे वाडीमध्ये, आता मी एवढंच बोलेल की सगळ्यांनी याचं कायद्याचं पालन केलं पाहिजे, प्रशासनाला सहकार्य केलं पाहिजे। महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येकाने आपापल्या सोयीनुसार म्हणजे आपल्या कुटुंबाची आणि स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे। प्रत्येकाने मास्कचा वापर केला पाहिजे आणि घराबाहेर नाही पडलं पाहिजे जोपर्यंत लॉकडाऊन संपत नाही। कारण आता जेव्हा शत्रू अदृश्य असेल तेव्हा म्हणजे छिपा रहणंही बेहतर आहे असं म्हटलेलं आहे, तर हे अगदी योग्य आहे। कारण अदृश्य शत्रू असेल तर आपण कोणीही लढू शकतो त्याच्याशी, पण जेव्हा तो शत्रू अदृश्य स्वरूपात असेल तर त्याच्यापासून आपण लपून राहिलेलंच चांगलं। आणि प्रत्येकाने प्रशासनाला सहकार्य करायचं आहे लॉकडाऊनच्या काळात आणि प्रशासनाला सहकार्य करून आपला जीव आणि आपल्या कुटुंबाचा जीव सुरक्षित ठेवायचा आहे। धन्यवाद। हम लोगों ने एक 4-5 लोगों का ग्रुप है, पिछले जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से डे वन से हम लोग जितने भी लोग रोड पर खड़े होकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग या सिक्योरिटी गार्ड्स जितने भी लोग सर्विस दे रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने रोज़ शाम को 4:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक चाय, नाश्ता, बिस्किट्स, पानी की बॉटल, सैनिटाइजर्स ये सारी सुविधाएँ हम लोगों ने प्रोवाइड करने का सोचा था और हम लोग डे वन से लेकर आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि आज सारे मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद हैं तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए 24 घंटे रास्ते पर खड़ा है और हम लोगों की सेवा कर रहा है। शायद यही एक वजह है कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट तैनात होने की वजह से ही आज भारत में कोरोना नहीं फैल रहा है और इतना कंट्रोल में है। इसलिए हम लोग उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग उनके लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है और बाकी जगह खाना बट रहा है, राशन बट रहा है, लेकिन पुलिस वालों के लिए आज वो दिन भर 12-12, 14-14 घंटे वो लोग सर्विस दे रहे हैं लेकिन एक शाम आते आते उनके लिए चाय या पानी की भी व्यवस्था कोई कर नहीं रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों ना हम लोग ये पहल करें और फिर डे वन से लेकर आज तक हम लोगों ने, आज का हमारा 23rd डे है और जब तक हम लोगों से पॉसिबल हुआ हम लोग डेफिनेटली ये सर्विस कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे। इन BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।